इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका मुदिता वेतालः। अद्य अशेष देशे विश्व पर्यावरण दिवसः आमान्यते। प्रकृति पृथ्वी संरक्षणाय अनुकूल पद प्रयासं प्रति विश्वस्तरे जनान् जागरणाय दिवसोऽयं परिपाल्यते। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन अद्य नवदिल्ल्याम् अमेरिका देशस्य रक्षामन्त्रिणा लॉयड ऑस्टिन वर्येण समं वार्ता विहिता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः गतरात्रौ सूरीनाम देशस्य राजधान्यां पैरामिबो सम्प्राप्ता। सऊदी अरब देशस्य तैले शिथिल्ये रूप्यकाणां नियन्तुं जुलाई मासात् तैलोत्पादने प्रतिदिनं 10 लक्ष बैरल पैमानाधारित शिथिलतां प्रदास्यति। अपि च भारतीय लक्ष्य साधकेन अभिनव शॉ गौतमी भनोटेन च सुहल जर्मनी देशे 10 मीटर एयर राइफल संयुक्त दल प्रतिस्पर्धायां निर्णायक द्वन्द्वं विजितम्। भारत देशाय ISSF विश्व चषक जूनियर स्पर्धायां स्वीय द्वितीय स्वर्ण पदकं समर्पितः। अद्य अशेष देशे विश्व पर्यावरण दिवसः आमान्यते। प्रकृति पृथ्वी संरक्षणाय अनुकूल पद प्रयासं प्रति विश्वस्तरे जनान् जागरणाय दिवसोऽयं परिपाल्यते। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमान्तर्गतं भूमौ जीवन सुरक्षितं 370 उत्तर 19 शत वर्षात् प्रत्येकस्मिन् वर्षे 5 जून तारिकां विश्व पर्यावरण दिवसः परिपाल्यते। अस्मिन् वर्षे उद्देश्यं वर्तते प्लास्टिक अपाकरणम् इति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् भारत देशः स्वीय विकासाय अन्यस्मिन् क्षेत्रे बृहत्स्तरे पर्यावरण संरक्षणे ध्यानं ददाति। तेन नवदिल्ल्यां विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रमे एकस्मिन् सन्देशे प्रोक्तं यत् 21वीं शताब्द्यां भारत ऋतु परिवर्तन पर्यावरण संरक्षणस्य स्पष्ट उद्देशेन साकं अग्रेसरति। अवसरेऽस्मिन् केन्द्रीय पर्यावरण वन ऋतु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवेन उक्तं यत् भूमौ निवसितुं पर्यावरण अनुकूल जीवन शैलीं संधारणस्य आवश्यकता वर्तते। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन अद्य नवदिल्ल्याम् अमेरिका देशस्य रक्षामन्त्रिणा लॉयड ऑस्टिन वर्येण समं वार्ता विहिता। उभौ नेतारौ उपवेशनं विधाय रणनीतिक हितानां एकरूपता सुरक्षा सहयोगे च वृद्धिं समेत्य बहवः क्षेत्रेषु सहयोगं विवर्धितुं ध्यानं प्रददाति। एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् भारत अमेरिका मिलित्वा स्वतन्त्र मुक्त नियमाधारित हिन्द क्षेत्रं सुनिश्चेतुं महत्वपूर्णं विद्यते। तेन एतदपि उक्तं यत् भारत क्षमता निर्माण रणनीतिक सन्धिं दृढयितुं सर्वेषु क्षेत्रेषु अमेरिका देशेन समं सम्भूय कार्याचरणस्य आशा प्रकटयति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः गतरात्रौ सूरीनाम देशस्य राजधान्यां पैरामिबो सम्प्राप्ता। सूरीनामस्य जोघन एडोल्फ पेंगल अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तने ताम् गार्ड ऑफ ऑनर सम्मानेन सम्मानितम्। सा तत्र गत्वा प्रतिनिधिमण्डलेन सह मिलितम्। ध्यातव्यमस्ति यत् श्रीमती मुर्मुः सूरीनाम देशस्य राष्ट्रपतेः चन्द्रिका प्रसाद संतोखी वर्यया प्रेषितम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य तत्र सम्प्राप्ता। श्रीमती द्रौपदी मुर्मुः वर्यया सह प्रतिनिधिमण्डलस्य आधिकारिक खाद्य सार्वजनिक वितरण राज्यमन्त्री साध्वी निरञ्जन ज्योतिः अपि च सांसदः श्रीमती रमा देवी सम्प्राप्तवन्तः। श्रीमती मुर्मुः सूरीनामे भारतीय जनानां तत्र आगमनावसरे 50-शताधिकशतमस्य वार्षिकी समारोहस्य मुख्य अतिथिः भविष्यति। सऊदी अरब देशस्य तैले शिथिल्ये रूप्यकाणां नियन्तुं जुलाई मासात् तैलोत्पादने प्रतिदिनं 10 लक्ष बैरल पैमानाधारित शिथिलतां प्रदास्यति। एषा घोषणा वियना देशे पेट्रोलियम निर्यात देशानां संगठन सम्मेलनानन्तरं विहितास्ति।
इतः प्राक् ओपेक प्लस सदस्य देशैः उत्पादने वारद्वयं शिथिलता प्रदत्ता आसीत। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जाल पटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एयर चल दूरभाष्य तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतीय लक्ष्य साधकेन अभिनव शॉ गौतमी भनोटेन च सुहल जर्मनी देशे 10 मीटर एयर राइफल संयुक्त दल प्रतिस्पर्धायां निर्णायक द्वन्द्वं विजितम्। भारतदेशाय आईएसएसएफ विश्व चषक जूनियर स्पर्धायां स्वीय द्वितीय स्वर्ण पदकं समर्पितः। शिक्षा मन्त्रालयेन 23-2000 वर्षार्थं राष्ट्रिय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इत्यस्य घोषणा कृता। भारतीय प्रविधि संस्थानं मद्रास इति सर्वेषु वर्गेषु सर्वोत्तम शिक्षण संस्थानं वर्तते। समान वर्गे भारतीय विज्ञान संस्थानं बेंगलुरु इति द्वितीय स्थले, अपि च भारतीय प्रविधि संस्थानं दिल्ली इति तृतीय स्थले अस्ति। नवदिल्ल्यां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानम् एम्स इति पंचमे स्थाने अस्ति, अपि च जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयम् दशमे स्थाने वर्तते। भारतदेशेन 23-2000 वर्षस्य एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभियानस्य आरम्भः गतदिने दक्षिण कोरियायाः योचियोने प्रथम दिवसे एव द्वौ स्वर्ण पदकौ विजितम्। रेजोयाना मल्लिकहीना महिलानां धावन प्रतियोगितायां स्वर्ण पदकं विजितवती। भारतप्रीत सिंह पुरुषाणां चक्का प्रक्षेपण प्रतिस्पर्धायां स्वर्ण पदकं विजित्य अभियानस्य आरम्भः अकरोत्। रूसदेशेन प्रोक्तं यत् तदीय सेनया दोनेत्स्क क्षेत्रे दक्षिण युक्रेन क्षेत्रे पंच स्थलेषु युक्रेनस्य वृहत् आक्रमणं रुद्धम्। रूसदेशेन सार्ध 200 सैनिकानां हत्यानन्तरं आयुध सामग्री अपि विनष्टीकृता। केन्द्रीय मार्ग यातायात राजमार्गीय मन्त्रिणा नितिन गडकरिणा अद्य दृश्य श्रव्य छायांकन द्वारा असम राज्ये 50-14 शत कोट्यधिक रूप्यकात्मिकानां राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजनानां आधारशिला संस्थापिता। श्री गडकरिणा घोषणा विहिता यत् राष्ट्रिय राजमार्ग 15 अथ च 35-15 किलोमीटर दीर्घोऽयं राजमार्ग सोनीपुर जनपदे बाईहाटा चरिमाली कामरूपतः डोलाबाड़ी पर्यन्तं चतुर्पंक्ति युक्तं राजमार्गस्य घोषणा विहितास्ति। श्री गडकरिणोक्तं यत् एकल असम राज्ये 2.5 लक्षोत्तर कोटितोधिक रूप्यकात्मिकायाः संसाधन विनिर्माण परियोजनाः विनिर्मिताः। तेन चतुर्पंक्ति राष्ट्रिय राजमार्गस्य शुभारम्भः दोशोकातः पाराखुआ पर्यन्तं विहितः। राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदाता अजीत डोभालः अमेरिकीय सुरक्षा सचिवेन लियोड ऑस्टिन वर्येण साकं मिलितवान्। उभौ नेतारौ प्रशान्त सहयोग प्रविधि बिन्दवः चर्चितवन्तः। तौ प्रविधि सन्धि भारतीय मेक इन इण्डिया आत्मनिर्भर भारत सदृश बहवः विषयाः चर्चितौ। अपरत्र विभिन्न क्षेत्रेषु राष्ट्रिय प्राथमिकतानां विषये अपि चर्चा विहिता जाता। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। अद्य अशेष देशे विश्व पर्यावरण दिवसः आमान्यते। प्रकृति पृथ्वी संरक्षणाय अनुकूल पद प्रयासं प्रति विश्वस्तरे जनान जागरणाय दिवसोऽयं परिपाल्यते। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन अद्य नवदिल्ल्याम् अमेरिका देशस्य रक्षामन्त्रिणा लॉयड ऑस्टिन वर्येण समं वार्ता विहिता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः गतरात्रौ सूरीनाम देशस्य राजधान्यां पैरामिबो सम्प्राप्ता। अपि च सऊदी अरब देशस्य तैले शिथिल्य रूप्यकाणां नियन्तुं जुलाई मासात् तैलोत्पादने प्रतिदिनं 10 लक्ष बैरल पैमानाधारित शिथिलतां प्रदास्यति।